Hello everyone, in the very first video of English, it's an another initiative taken by ज्ञानकुंज. So ये basically उन बच्चों के लिए जो RRB, SSC, Bank PO, DP या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. So इस इनिशिएटिव में हम आपको डेली 5 vocabs देंगे विद synonyms एंड antonyms. So let's begin. Acumen, it's a noun, मतलब होता है इसका अच्छी जजमेंट करना और उस पर क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी होना. इसके सिनोनिम्स हैं अवेयरनेस, ब्रिलियंस. एंटोनिम्स आर स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस. लेट्स सी द एग्जांपल. कैपेबल लॉयर्स विद बिजनेस एक्यूमेन आर वैल्यूएबल टू एनी फर्म. व्यावसायिक कौशल वाले कैपेबल वकील किसी भी फर्म के लिए मूल्यवान हैं. लेट्स रिपीट द सिनोनिम अगेन. अवेयरनेस, ब्रिलियंस. एंटोनिम्स आर स्टुपिडिटी, इग्नोरेंस. बिजी, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी भी काम में एक्टिवली और अटेंटिवली इंगेज्ड होना. तो इसके सिनोनिम्स भी होंगे एक्टिव और इंगेज्ड. एंटोनिम्स आर आइडल एंड लेजी. सो लेट्स रिपीट इट अगेन. एक्टिव, इंगेज्ड एंड एंटोनिम्स आर आइडल एंड लेजी. द डायरेक्टर कैन नॉट सी यू नाउ, ही इज बिजी. निर्देशक अभी आपसे नहीं मिल सकते, वह व्यस्त है. कॉन्फिडेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर सर्टेन फीलिंग होना. इसके सिनोनिम है बोल्ड, अनडॉन्टेड. एंटोनिम्स आर डिफिडेंट, कावर्डली. द स्पीकर्स वर कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स. स्पीकर्स आत्मविश्वास से भरे संचारक थे, यानी कम्युनिकेटर्स थे. सो लेट्स सी द सिनोनिम्स अगेन. बोल्ड, अनडॉन्टेड. एंटोनिम्स आर डिफिडेंट, कावर्डली. ग्लोरी, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है ग्रेट ऑनर और प्रेज. सिनोनिम्स है इसके डिग्निटी, रिनाउन. एंटोनिम्स आर क्रिटिसिज्म, इनसिग्निफिकेंस. टू फाइट एंड डाई फॉर द ग्लोरी ऑफ वंस नेशन, किसी राष्ट्र की महिमा के लिए लड़ना और मरना. तो यहाँ ग्लोरी का मतलब क्या होगा? महिमा. कंडेम, जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल के अगेंस्ट अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना. इसके सिनोनिम्स होंगे कास्टिगेट, क्रिटिसाइज. एंटोनिम्स आर प्रेज, कॉमेंट. डोंट कंडेम हिम बिफोर यू हियर द एविडेंस, यानी एविडेंस सुनने से पहले तुम उसकी निंदा मत करो. लेट्स रिपीट इट अगेन. सिनोनिम्स हैं इसके कास्टिगेट, क्रिटिसाइज. एंटोनिम्स आर प्रेज और कॉमेंट. सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही. मिलते हैं 5 नए वोकैब्स के साथ कल. थैंक यू वेरी मच. हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन. सो आज मैं फिर से 5 वोकैब्स के साथ विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आया हूँ. सो RRB, SSC, बैंक PO, DP और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें. सो लेट्स बिगिन. कंप्राइज, विच इज़ अ वर्ब, इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ या बी मेड अप ऑफ, यानी किसी चीज़ का समावेश होना या किसी चीज़ से बना होना. सिनोनिम्स है इसके इंक्लूड, कंटेन, जो कि कंप्राइज का मतलब होता है. जैसे कंप्राइज का मतलब होता है समावेश होना, शामिल होना, वैसे इंक्लूड और कंटेन का मतलब होता है. वैसे ही रिजेक्ट और लैक, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. द कंट्री कंप्राइजेस 20 स्टेट्स, यानी देश 20 राज्यों के समावेश से मिलकर बना है. ड्वार्फ, विच इज अ नाउन, अ पर्सन हु इज मच स्मॉलर देन यूजुअल साइज, यानी आमतौर पर जो साइज होता है उससे छोटा होना. इट कैन बी अ पर्सन और अ थिंग. इसके सिनोनिम्स होंगे डिमिन्यूटिव, पेटाइट. एंटोनिम्स आर ह्यूज, जायंट. एक बार फिर से रिपीट करेंगे सब. डिमिन्यूटिव, पेटाइट. एंटोनिम्स आर ह्यूज, जायंट. लेट्स सी द एग्जांपल. द ड्वार्फ मेड नो रिप्लाई बट बिकेम साइलेंट. ड्वार्फ ने कोई रिप्लाई नहीं किया, यानी जवाब नहीं दिया और चुप हो गया. इमेंस, जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, स्पेशली इन स्केल और डिग्री. यानी स्केल और डिग्री में एक्सट्रीमली लार्ज होना, यानी अत्यधिक बड़ा होना. इसके सिनोनिम्स होंगे ह्यूज, इनॉमस. एंटोनिम्स आर प्यूनी, इनसिग्निफिकेंट. एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे ह्यूज, इनॉमस, प्यूनी, इनसिग्निफिकेंट. द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन हैज़ बीन इमेंस, यानी रेस्टोरेशन की कॉस्ट इमेंस हो गई है, यानी बहुत अधिक हो गई है. मॉलिस्ट, मॉलिस्ट का मतलब होता है छेड़छाड़ करना. मैंने यहाँ छेड़छाड़ लिख दिया, छेड़छाड़ करना होता है. असॉल्ट और अब्यूज. अब सिनोनिम्स होते हैं इसके हैरेस और टीज. तो हैरेस करना या टीज करना.
या मॉलेस्ट करना, तीनों एक ही चीज़ है। इसके एंटोनिम्स होंगे कंसोल और सूद। कंसोल और सूद का मतलब क्या होता है, किसी के ग्रीफ या डिसअपॉइंटमेंट में उसको कंफर्ट पहुंचाना। ही वॉज चार्ज विद मोलेस्टिंग एंड टेकिंग ऑब्सीन फोटोग्राफ्स ऑफ अ 10-year-old बॉय। तो यहाँ ऑब्सीन फोटोग्राफ्स क्या है, अश्लील फोटो। मोलेस्टिंग छेड़छाड़। चार्ज का मतलब होता है आरोप। सो इसका मतलब हो गया उस पर 10 साल के लड़के के साथ छेड़छाड़ और अश्लील फोटो यानी कि ऑब्सीन फोटोग्राफ्स लेने का आरोप है। ऑब्टेन इसका मतलब होता है गेट, एक्वायर और सिक्योर समथिंग यानी प्राप्त करना। इसके सिनोनिम्स होंगे एक्सेस और इनहेरिट। तो जो ऑब्टेन का मतलब होता है वही एक्सेस और इनहेरिट का मतलब होता है, और फॉरफिट का मतलब बिल्कुल अपोजिट। प्राप्त करना का अपोजिट क्या होगा, खो देना। एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन यानी पर्याप्त बीमा कवर प्राप्त करना मुश्किल है। सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी और एनी सजेशन, यू आर वेलकम। यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन। वी आर अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। सो आई एम हियर विद न्यू 5 वोकैब्स विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो एक बार फिर से बता दूँ, जो नए लोग हैं वो जो RRB, SSC, बैंक, PO, DPA या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। कॉन्कर जो कि एक वर्ड है विच मीन्स बी ऑफ द सेम ओपिनियन और अग्री यानी सहमत होना। सो यू कैन से यस आई एग्री व्हेन यू से कॉन्कर। सिनोनिम्स है इसके अप्रूव, अग्री। एंटोनिम्स आर डिफर या डिसअग्री। तो जब आप किसी के ओपिनियन से डिफर करते हैं यानी अपना अलग विचार रखते हैं तो इसका मतलब आप डिफर कर रहे हैं उनसे। डिसअग्री यानी आप सहमत नहीं हैं। वी कॉन्कर डैट मोर मनी शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्कर मतलब सहमत होना, स्पेंड मतलब खर्च करना। सो हम सहमत हैं कि ज़्यादा पैसे एजुकेशन पे खर्च किए जाने चाहिए। फ्यूड जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वेरल और डिस्प्यूट यानी झगड़ा। प्रोलॉन्ग होता है दोस्तों लंबे समय तक चलने वाला। तो लंबे समय तक चलने वाले क्या, झगड़ा या डिस्प्यूट, विवाद। सिनोनिम है इसके स्ट्राइफ एंड क्वेरल। तो क्वेरल और स्ट्राइफ का मतलब भी फ्यूड होता है। इसके एंटोनिम्स होंगे हारमोनी, फ्रेटर्निटी। तो देखो फ्यूड जो आप जानते हो सलमान और शाहरुख के बीच में बहुत फेमस फ्यूड रहा है, आप परिचित हो उससे बहुत। लेट्स सी द एग्जांपल। बिकॉज ऑफ अ फैमिली फ्यूड ही नेवर स्पोक टू हिज वाइफ्स पेरेंट्स फॉर ईयर्स। सो फैमिली फ्यूड यानी पारिवारिक कलह या पारिवारिक झगड़ा। तो पारिवारिक झगड़े के चलते उन्होंने अपनी पत्नी के माता पिता से सालों तक कभी बात नहीं की। फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव होता है विच मीन्स ऐसी चीज़ें, ऐसा ऑब्जेक्ट जो इजीली ब्रेक हो जाए या डैमेज हो जाए। कई बार आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा ऐसे बक्से जिस पे लिखा होता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मार्क लगा होता है। इसका मतलब उसके अंदर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इजीली ब्रेक हो सकता है या डैमेज हो सकता है। सिनोनिम होते हैं इसके वीक और इनफॉर्म। एंटोनिम्स आर एंड्योरिंग और टफ, बिल्कुल फ्रेजाइल का अपोजिट। द टॉयज वर सो फ्रेजाइल माई डॉग डिस्ट्रॉयड देम विद इन मिनट्स। तो टॉयज इतने फ्रेजाइल थे, नाजुक थे कि डॉग ने उसे मिनटों के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। फ्रिवोलस जो कि फिर से एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू यानी हल्का, तुच्छ, फर्जी भी आप कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स होते हैं पैटी, वर्थलेस। एंटोनिम्स आर सोलम, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट सोलम क्या होता है, जिसका महत्व हो, और पैटी और वर्थलेस जिसका महत्व, जिसका मूल्य ना हो। आपने काफ़ी सारे गन इंडस्ट्री के केसेस सुने होंगे जिसको हम कहते हैं फ्रीवुलस लॉसूट्स यानी फर्जी मुकदमे। तो ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है। लेट्स सी द एग्जांपल। आई थिंक सीज हर एज अ फ्रीवुलस एनिमी। आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि वह उसे, सी सीज हर एज अ फ्रीवुलस एनिमी, उसे एक हल्के दुश्मन के रूप में देखती है।
हल्के दुश्मन मतलब कि उसको कुछ नहीं मानते, तुच्छ मानते हैं। एडवर्सिटी जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, यानी विपत्ति, परेशानी। इसके सिनोनिम्स होंगे मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी। एंटोनिम्स होंगे इसके प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून। तो मिसफॉर्च्यून का फॉर्च्यून, कैलामिटी प्रॉस्पेरिटी। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, कोट पढ़ा होगा, ग्रोथ बिगिंस वेयर एडवर्सिटी स्टार्ट्स। ग्रोथ तभी शुरू होती है जब एडवर्सिटी स्टार्ट होती है, यानी परेशानियाँ विपत्तियाँ स्टार्ट होती है। शी टर्न्ड एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, उसने एडवर्सिटी को यानी विपरीत परिस्थितियों को या परेशानी वाले समय को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, टर्न कर दिया यानी बदल दिया। तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। कॉन्कर जिसके सिनोनिम्स होते हैं अप्रूव, अग्री। एंटोनिम्स आर डिफर, डिसअग्री। कई बार आप कॉन्कर को इससे कंफ्यूज मत कर लेना, इस कॉन्कर का मतलब होता है विन, जीतना, और इसकी स्पेलिंग दोनों में डिफरेंस भी है। हाँ, प्रोनंसिएशन सेम है, कॉन्कर कॉन्कर। फ्यूड इसका सिनोनिम है स्ट्राइफ, क्वेरल। एंटोनिम्स है इसके हार्मनी एंड फ्रेटर्निटी। इसके सिनोनिम्स है वीक, इनफर्म। एंटोनिम्स आर एंड्योरिंग, टफ। फ्रीवोलस इसके सिनोनिम्स है पैटी, वर्थलेस। एंड एंटोनिम्स आर सोलेम, सिग्निफिकेंट। एडवर्सिटी इसके सिनोनिम्स होंगे मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी। एंड एंटोनिम्स आर प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए 5 वोकैब्स के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन। सो द वीडियो इज़ वेरी लेट, बट आज वीडियो आएगी। सो वी आर हियर अगेन विद 5 वोकैब्स विद 5 सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट वर्ड इज एडहेरेंट, जो कि एक नाउन है। समवन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पार्टी, पर्सन और अ सेट ऑफ आइडियाज, यानी जो कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर पार्टी, पर्सन या किसी आइडिया को सपोर्ट करता है, समर्थन देता है। सो हिंदी में हम उसे अनुयायी कहते हैं या एडहेरेंट कह सकते हैं हम। सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी अब एक पर्सन है, उसका एक पर्टिकुलर हो सकता है पार्टी हो सकता है एक विचारधारा हो, उसको बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं यानी उसके अनुयायी हैं। सो इसके सिनोनिम्स होंगे फॉलोवर और डिसिपल, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। एंटोनिम्स है इसके राइवल, एडवर्सरी। लेट्स सी द एग्जांपल, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एडहेरेंट ऑफ मॉनेटरिज्म। सो वह मॉनेटरिज्म का एक मजबूत अनुयायी था, एक स्ट्रॉन्ग एडहेरेंट था। तो मॉनेटरिज्म क्या होता है, ये एक इकोनॉमिकल टर्म है, एक इकोनॉमिकल सोच है। बेनेवोलेंट इसका मतलब होता है काइंड एंड हेल्पफुल, यानी भलाई करने वाला। सिनोनिम्स हैं इसके बिनाइन, जेनरस। एंटोनिम्स आर मैलेवोलेंट एंड माइजरली। सो लेट्स सी इट, ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ बेनेवोलेंट डिक्टेटर। तो डिक्टेटर होता है तानाशाह, बेनेवोलेंट भलाई करने वाला। सो वह खुद को भलाई करने वाला तानाशाह बताता है। सो हियर यू कैन सी देर इज़ अ बॉय, देर इज़ अ ग्रुप, वी कैन से इट दे आर बेनेवोलेंट हु आर हेल्पिंग। कैलमनी जो कि एक नाउन है, विच मीन्स अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी के रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए कहा जाता है। आप इसको इसके सिनोनिम्स के रूप में डिफेमेशन और एस्पर्सन भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स आर कमेंडेशन और प्रेज, बिल्कुल इसका अपोजिट। कमेंडेशन और प्रेज क्या, प्रशंसा या तारीफ करना। लेट्स सी द पिक्चर, तो इस पिक्चर में आप देखो किसी के रेपुटेशन को डिफेम करने के लिए क्या किया जा रहा है, कैलमनी किया जा रहा है, चुगली की जा रही है। ऑल्सो चार्ल्स डज नॉट पर्सनली लाइक हेनरी, ही इज़ नॉट द टाइप ऑफ पर्सन टू स्प्रेड अ कैलमनी अबाउट हिज एनिमी।
ऑल्दो चार्ल्स मतलब हालांकि चार्ल्स, पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, तो चार्ल्स व्यक्तिगत रूप से हेनरी को पसंद नहीं करता है। वह अपने दुश्मन के बारे में एक चुगली फैलाने वाले व्यक्ति जैसा नहीं है। टू स्प्रेड अ कैलमनी, तो मैंने यहाँ पे कुछ एक वर्ड है जिनके मतलब मैंने उसी कलर में लिख दिए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी दीज कलर्स। कैलस विच इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स शोइंग और हैविंग इनसेंसिटिव और क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, यानी जिसके मन में दूसरों के लिए कोई भी दया भावना नहीं होती है। यू कैन से कठोर, भद्दा या निर्दयी। सिनोनिम्स है इसके अब्ड्यूरेट, अनफीलिंग, एंड एंटोनिम्स आर कंपैशनेट और टेंडर, यानी बिल्कुल इसका अपोजिट कंपैशनेट और टेंडर। इन दिस पिक्चर यू कैन सी एक आदमी लेटा है जिसका जो ब्लीड कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। सो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है बहुत कैलस है जिसकी क्योंकि ये हेल्प नहीं कर रहा है उसके सामने। ही वॉज अटरली कैलस, वह बड़ा निर्दयी लड़का था। कंसोलिडेट मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड, यानी संगठित करना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को मजबूत बनाना। सॉलिडिफाई और स्ट्रेंथन भी कह सकते हैं हम। एंटोनिम्स सेपरेट और वीकन, यानी कमज़ोर करना या अलग कर देना। इन दिस पिक्चर यू कैन सी फोर बॉयज़ और गर्ल्स, वी डोंट नो, वो इकट्ठा कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं उसको। द टू फंड्स विल कंसॉलिडेट इन टू वन, दोनों फंड एक में संगठित होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो फंड्स को कंसॉलिडेट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, फिजिकली और स्ट्रॉन्गर बनाया जा रहा है। सो आज की वीडियो में इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, यू आर वेलकम। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान कुंज। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन डेली वोकैब्स। सो इट्स 25 नवंबर एंड वी आर अगेन विद न्यू वोकैब्स। लेट्स बिगिन। बीविचिंग विच इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स इंचैंटिंग और डिलाइटफुल, यानी मोहित करने वाला। यू कैन ऑल्सो से अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग और चार्मिंग। Antonyms are repulsive, repugnant. Let's see the example. I gaze deeply into the most bewitching blue eyes. Here you can see there is most bewitching blue eyes. Yani sabse zyada akarshak neeli aankhe. Trenchant, which is again an adjective which means full of force and vigor. You can say assertive and forceful are the synonyms, and feeble, ambiguous are antonyms. Many of them were trenchant critics of the inequalities and injustice of the social order. Inequalities and injustice matlab hota hai asamanta aur anyay. Social order means samaj vyavastha, and trenchant critics ka matlab hota hai katu alochak. So here you can see there is the picture of Bhimrao Ambedkar. He was a trenchant critics of the social order of India. Offspring, which means a person's child or a children. Hindi में हम इसे वंशज कहते हैं. Like humans are the offspring of monkeys. Synonyms are descendant, sibling. Antonyms are ancestor, forefather. Ancestor, forefather मतलब पूर्वज. The disease can be transmitted from parent to offspring. Transmitted होता है फैलना. तो ये disease यानी बीमारी माता पिता से ऑफस्प्रिंग यानी संतान तक, या आप कह सकते हो वंशज तक फैल सकती है। जुडिशियस अगेन इट्स एन एडजेक्टिव विच मीन्स हैविंग शोइंग और डन विद अ गुड जजमेंट और अ सेंस, यानी किसी काम को बहुत अच्छे जजमेंट के साथ या बहुत अच्छे दिमाग का यूज करके किया जाता है। यू कैन ऑल्सो से उचित। सिनोनिम्स आर थॉटफुल, प्रूडेंट। एंटोनिम्स आर इरेशनल, फुलिश। द जुडिशियस यूज ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जुडिशियस यूज़ मतलब विवेकपूर्ण या उचित उपयोग। पब्लिक इन्वेस्टमेंट सार्वजनिक निवेश।
Often you see in the news that people blame government not to use judicious use of public investment or public money. So immaculate, extremely clean, tidy or neat, yani अत्यधिक क्लीन होना, टाइड होना, टाइडी होना या साफ नीट होना. सिनोनिम्स आर एक्विजिट, इम्पेकेबल. एंटोनिम्स आर डिफाइल्ड, टार्निश्ड. सो हियर यू कैन सी देर इज नथिंग, बिल्कुल साफ है, बेदाग है. यू कैन ऑल्सो से इमैक्यूलेट. किम मेक श्योर टू हैव हर लिविंग रूम लुकिंग इमैक्यूलेट. किम ने अपने कमरे का बेदाग दिखना सुनिश्चित किया. So thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Hello and welcome everyone on our YouTube channel Gyan Kunz. So it's 26th of November. Let's begin. Abound, which is a verb which means exist in large numbers or amounts. Yani kisi cheez ka prachur matra mein hona, yani badi sankhya mein hona. Synonyms hain iske flourish and proliferate. Antonyms are deficient, destitute. Let's see the example. Lakes and rivers of Albania abound in fish. यानी अल्बानिया की झीलें और नदियों में ढेर सारी मछलियाँ पाई जाती हैं. As you can see in the picture. So abound होता है प्रचुर मात्रा में होना. Let's repeat. Flourish, proliferate. Antonyms are deficient, destitute. Clandestine, which is an adjective which means planned or done in a secret. Yani gupt. As you can see, people are doing meetings secretly. Synonyms iske covert, furtive. Antonyms are open and legal. See observed better than these clandestine meetings. Where in clandestine meeting yani gupt baithakon se behtar ki haqdar thi, deserved better. Conceit, which is a noun which means excessive pride in oneself. Synonyms are vanity, immodesty, and antonyms are modesty, humility. So as you can see, conceit meaning is gumaan. Here in the picture you can also understand. Camille's conceit about her beauty is quite annoying. So Camille's conceit ka matlab kya hai? Camille ka gumaan अपनी सुंदरता के बारे में, अबाउट हर ब्यूटी, इज क्वाइट annoying, काफ़ी कष्टप्रद है. Fanatical, which is an adjective which means filled with excessive and single minded zeal. यानि कट्टर होना, क्रूर होना. You can also say narrow minded and biased. Antonyms are liberal, tolerant. So here this picture shows that narrow minded and biased thought. And this picture shows that liberal or tolerant thought. Let's see the example. He found an ignorant and corrupt society ruled by an immortal yet financial monarch. उन्होंने अभी तक एक अनभिज्ञ और भ्रष्ट समाज यानी ignorant and corrupt society को एक अनैतिक कट्टर सम्राट द्वारा शासित पाया. अनैतिक कट्टर सम्राट, immortal, fanatical monarch. Ferocious, which is an adjective which means savagely, fierce, cruel or violent. तो इसका मतलब भी क्रूर होता है. Synonyms are cruel, fierce and antonyms are gentle, sympathetic. The Indians are frequently denounced as faithless, ferocious or untamable. भारतीयों को अक्सर विश्वासहीनता, क्रूर और अज्ञेय के रूप में घोषित किया जाता है. Here in the picture you can see the ferocious expression on the face. So in this video that's it, and don't forget to like, share and subscribe our channel. If you have any query, doubt or suggestion, you are welcome. Thank you. Hello and welcome everyone on our YouTube channel Gyan Kunz. So it's 27th of November and I am here with new 5 vocabs with their synonyms and antonyms. Let's begin. Chastise, which is a verb which means rebuke or reprimand severely. Yani kisi ko saza dena, dand dena. Synonyms hai iske punish, admonish. To dono ka matlab same ho gaya. Antonyms are cheer, encourage. Yani kisi ko cheer karna, encourage karna, utsah bharna kisi ke andar. He chastised his colleagues for their laziness. Usne apne colleagues ko
उनके लेजीनेस के लिए ताड़ना दी यानी दंड दिया. हियर मदर इज चाइडिंग हर चाइल्ड. कंस्पिकुअस विच इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स क्लियरली विजिबल, जो बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है. यू कैन ऑल्सो से नोटिसेबल और अट्रैक्टिव. सिनोनिम्स हैं इसके प्रोमिनेंट और ऑब्वियस. एंटोनिम्स आर कंसील्ड और हिडन, यानी छुपा हुआ, जो आसानी से नहीं दिखाई दे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. देयर वर अ नंबर ऑफ कंस्पिकुअस चेंजेस टू द बिल्डिंग. भवन में कई तरह के कंस्पिकुअस चेंजेस यानी विशिष्ट परिवर्तन हुए. हेरेटिक विच इज अ नाउन, वन हु डिपर्स इन ओपिनियन फ्रॉम एन एक्सेप्टेड बिलीफ और अ डॉक्ट्राइन, यानी कोई किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखता है, कोई पर्टिकुलर विचारधारा में बिलीव ना करता हो. हेरेटिक स्पेशली इन रिलीजन. यू कैन सी इन द पिक्चर, हेल्प आई हैव अ हेरेटिक इन माई चर्च. वो कह रहा है कि चर्च में कोई हेरेटिक आ गया है, यानी ऐसा इंसान आ गया है जो बिलीव नहीं करता है गॉड में. सिनोनिम्स आर नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट. एंटोनिम्स आर कन्फॉर्मेबल रिलीजियस. गैलीलियो वॉज कंडेम्ड एज अ हेरेटिक फॉर सपोर्टिंग कोपरनिकस थीसिस दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड नॉट द वाइस वर्सा. यानी गैलीलियो को कंडेम किया गया था एज अ हेरेटिक फॉर सपोर्टिंग कोपरनिकस थीसिस, यानी कोपरनिकस की थीसिस को समर्थन करने के लिए. तो उसको कैसे कंडेम किया गया था, एज अ हेरेटिक यानी विधर्मी के रूप में. किस चीज़ के लिए, तो पृथ्वी के सूर्य, उस थीसिस में था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पर उसमें क्या था कि इसके विपरीत घूमती है. इनएविटेबल विच मीन्स सर्टेन टू हैपन और अनअवॉइडेबल, यानी जिसका होना अनिवार्य है या जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता. अनअवॉइडेबल और असर्टेन्ड. एंटोनिम्स आर अनलाइकली और डाउटफुल, यानी जिसके होना या तो डाउटफुल है या फिर अनलाइकली है, यानी जिसकी संभावना कम है. वॉर वॉज इनएविटेबल, युद्ध अपरिहार्य था यानी अनिवार्य था. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यू नो दिस कैरेक्टर वेरी वेल. आई एम इनएविटेबल, ये ऐसा कहता है. लेविश विच इज़ एन एडजेक्टिव, लार्ज इन क्वान्टिटी और एक्सपेंसिव और इम्प्रेसिव, यानी अतिव्यापी होना और खर्चीला होना. सिनोनिम्स आर अबंडेंट और एक्सेसिव. एंटोनिम्स आर स्कार्स और डेफिशियंट. लेविश स्पेंडिंग और बैंक्वेट, भव्य खर्च या भोज. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. हेलो एंड वेलकम एवरी वन ऑन आर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज. सो इट्स 28th ऑफ नवंबर एंड आई एम हियर विद न्यू 5 वोकैब्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. लेट्स बिगिन. अबॉर्टिव विच मीन्स फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया होता है वैसा ना होना, फेल हो जाना यानी निष्फल होना. सिनोनिम्स आर वेन और अनप्रोडक्टिव, यानी वही जिसकी एक्सपेक्ट हमें होती है वो नहीं हो पाना. एंटोनिम्स आर प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द रिबेल ऑफिसर हु लेड द अबॉर्टिव कूप वर शॉट, यानी निष्फल तख्ता पलट कर नेतृत्व करने वाले विद्रोही अधिकारियों को यानी रिबेल ऑफिसर्स को गोली मार दी गई. वर शॉट. एब्सॉल्व विच इज अ वर्ब विच मीन्स डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, यानी किसी को दोष मुक्त कर देना. सिनोनिम्स आर पार्डन और फॉरगिव. एंटोनिम्स आर कंपेल और अक्यूज, किसी को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, और यहाँ क्या है, किसी पर आरोप लगाना. हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी प्रिजनर इज सेइंग प्लीज गॉड पार्डन मी, गॉड मुझे माफ़ कर दो. शी आस्क्ड द बिशप टू एब्सोल्व हर सिंस, उसने बिशप से उसके पापों को मिटाने के लिए कहा. बिफॉग्ड विच इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स इनकैपेबल ऑफ क्लियर थाट और कन्फ्यूज्ड, यानी क्लियर थाट का ना होना या कन्फ्यूज्ड होना, अस्वस्थ होना या अंधेरा होना. बेक्लाउड और डिम, इसका मतलब होता है अंधेरा होना. एंटोनिम्स आर क्लियर हेडेड
और अनक्लाउड यानी अंधेरा ना होना, स्पष्ट दिखाई देना, साफ दिखाई देना, एंड क्लियर हेडेड बिल्कुल क्लियर थॉट होना। हर ब्रेन वॉज बिफॉग्ड विद हर लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी के कारण उसका मस्तिष्क अस्व्यस्त था यानी कंफ्यूज था। फ्रेंटिक विच इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स डिस्ट्रॉट विद फियर एंड एग्जाइटी और अदर इमोशंस, यानी बहुत ही व्याकुल होना फियर से, एनग्जाइटी से, चिंता से। सिनोनिम्स आर वायलेंट, एजिटेटेड, एंटोनिम्स आर सबड्यूड और जेंटल। शी वॉज फ्रेंटिक विद वरी, वह चिंता के साथ उन्मत्त थी, पागल थी। जुबिलेंट विच इज अगेन एन एडजेक्टिव विच मीन्स फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस और ट्रम्फ, यानी बहुत ही आनंद करने वाला। सिनोनिम्स है इसके रिजॉइसिंग, ट्रम्फेंट, एंटोनिम्स आर मेलकली एंड डिप्रेसिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ जुबिलेंट फैंस रैन ऑन द ऑन टू द पिच, बड़ी संख्या में मगन प्रशंसक पिच पर दौड़े। एक बार फिर से देख लेते हैं। अबॉर्टिव सिनोनिम्स होते हैं इसके वेन, अनप्रोडक्टिव एंड एंटोनिम्स आर प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल। एब्सॉल्व सिनोनिम्स है इसके पार्डन, फॉरगिव, एंटोनिम्स आर कंपेल और एक्यूज। बिफॉग्ड विच मीन्स वी क्लाउड और डिम, एंड एंटोनिम्स आर क्लियर हेडेड और अनक्लाउड। फ्रेंटिक विच मीन्स वायलेंट, एजिटेटेड, एंटोनिम्स आर सबड्यूड और जेंटल। जुबिलेंट अगेन एन एडजेक्टिव विच सिनोनिम्स है इसके रिजॉइसिंग, ट्रम्फेंट, एंड एंटोनिम्स आर मेलनकली एंड डिप्रेसिंग। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम एवरी वन ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज। सो इट्स 29th ऑफ नवंबर एंड आई एम हियर विद न्यू 5 वोकैब्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो लेट्स बिगिन। सो आर फर्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। मिटिगेट इज अ वर्ब विच मीन्स मेक समथिंग बैड लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल, यानी किसी बैड सिचुएशन को कम करना, किसी बैड सिचुएशन को कम पेनफुल बनाना, कम सीरियस बनाना या कम कठोर बनाना। सिनोनिम्स है इसके एलिविएट एंड रिलीव, एंड एंटोनिम्स आर ऑगमेंट एंड एनहांस, यानी इनका मतलब होता है कम करना, एंड एंटोनिम्स है ऑगमेंट एंड एनहांस, इसका मतलब होता है बढ़ा देना। सो हियर स्पाइडरमैन इज ट्राइंग टू रिड्यूस द रिस्क, यानी ट्राइंग टू मिटिगेट द रिस्क। ड्रेनेज स्कीम्स हैव हेल्प टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। ड्रेनेज स्कीम्स क्या है? जल निकासी योजना। जल निकासी योजनाओं ने इस समस्याओं को मिटिगेट करने में, यानी समस्या को कम करने में मदद की है। सो आर सेकेंड वर्ड इज रिबेलियस, शोइंग अ डिज़ायर टू रेजिस्ट अथॉरिटी, कंट्रोल और कन्वेंशन, यानी अपनी डिज़ायर शो करना किसी अथॉरिटी, कंट्रोल या कन्वेंशन यानी सभा को रेजिस्ट करने के लिए, उसका विद्रोह करने के लिए। रेस्टलेस और एंड अटैकिंग आर द सिनोनिम्स, एंड एंटोनिम्स आर सबमिसिव और कंप्लायंट। आई बिकेम वेरी रिबेलियस एंड ऑप्टेड आउट, मैं बहुत रिबेलियस हो गया और बाहर निकल गया। यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर। रिमोर्स विच इज़ अ नाउन विच मीन्स डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड, यानी किस कुछ गलत काम के लिए रिग्रेट होना, पश्चाताप होना। रिग्रेट एंड पेनिटेंस मतलब होता है इसका भी पश्चाताप। एंड एंटोनिम्स आर रूथलेसनेस एंड अब्ड्यूरेशी, मतलब क्या है इनका? तो इसका मतलब होता है बहुत ज़िद्दी होना, बहुत बेरहम होना। देवर फील्ड विद रिमोर्स एंड शेम, वे पश्चाताप यानी कि रिमोर्स एंड शेम मतलब शर्म से भरे थे। सक्सिंक्ट विच इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स स्पेशली ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन ब्रीफली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में और स्पष्ट रूप से बोला या लिखा गया हो। कंसाइज और टर्स भी यही होता है, संक्षिप्त रूप में बोला या लिखा जाना। एंड लेंदी, लेंदी का मतलब क्या होता है? लेंदी का मतलब होता है लंबा, बहुत बड़े आकार का।
एंड वर्बस का मतलब भी वही होता है। यूज शॉर्ट संक्षिप्त सेंटेंसेस, छोटे संक्षिप्त वाक्य का उपयोग करें। साइकोफेंट विच इज अ वर्ब विच मीन्ट अ पर्सन, नॉट इट्स नॉट अ वर्ब इट्स अ नाउन, अ पर्सन हु एक्ट्स ऑब्सेक्वियसली टुवर्ड्स समवन इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज, यानी कोई चापलूसी जैसा व्यवहार करता हो कुछ एडवांटेज पाने के लिए, कुछ एडवांटेज यानी कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए। तो चापलूस विच इज अ नाउन, यहाँ गलती से वर्ब लिखा गया है। सिनोनिम्स है इसके पैरासाइट एंड फ्लैटरर, पैरासाइट और फ्लैटरर का मतलब ही चापूस होता है, चापलूस होता है। एंटोनिम्स आर डिवोटेड और लॉयल, यानी निष्ठावान होना, वफादार होना। एवरीवन नोज अ साइकोफेंट इज नथिंग बट अ यस मैन और अ यस वूमेन, यानी हर कोई जानता है एक साइकोफेंट कुछ नहीं होता बल्कि एक यस मैन या एक यस वूमेन होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन और डाउट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज। सो इट्स 30th November एंड आई एम हियर विद न्यू 5 वोकैब्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट वर्ड इज ब्रिटल विच इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स हार्ड बट लाइबल टू ब्रेक इजिली, यानी जो वस्तु आसानी से टूट जाती है हम उन्हें ब्रेकेबल और क्रिस्प भी कह सकते हैं। सिनोनिम्स आर टफ एंड्योरिंग। लेट्स सी द एग्जांपल, हर बोन्स बिकेम फ्रेजाइल एंड ब्रिटल। फ्रेजाइल हमने पहले भी किया है पिछली वीडियोस में, तो आपको पता होगा नाजुक होता है इसका मतलब, उसकी हड्डियां नाजुक और टूटने योग्य हो गई। इनकम्ब्रेंस विच इज एन अगेन एन एडजेक्टिव विच मीन्स इम्पेडिमेंट और बर्डन, यानी बाधा बोझ या भार होना किसी तरह का। हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टिकल भी सेम मीनिंग होता है। एंटोनिम्स आर इंसेंटिव स्टिमुलेंट, यानी ऐसी चीज़ें जो हमारे राह में रोड़े ना अटकाकर बल्कि हमारी मदद करे, उत्साह बढ़ाए। द हॉर्स रेज इट्स हिंड लेग एज इफ टू रिड इट सेल्फ ऑफ एन इनकम्ब्रेंस, घोड़े ने अपने पिछले पैर को उठाया जैसे कि वह खुद को एक भार से छुटकाना पाना चाहता हो। फैब्रिकेट विच इज अ वर्ब विच मीन्स कंस्ट्रक्ट और मैन्युफैक्चर एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट स्पेशली फ्रॉम प्रिपेयर्ड कॉम्पोनेंट्स, यानी किसी चीज का, किसी वस्तु का निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स आर डिस्ट्रॉय डिसमेंटल, यानी उसको ख़त्म कर देना, उसका विघटन करना। यू विल हैव टू फैब्रिकेट एन एग्जॉस्ट सिस्टम, आपको एक एग्जॉस्ट सिस्टम यानी निकास प्रणाली का निर्माण करना होगा। स्पूरियस विच इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स नॉट बीइंग व्हाट इट्स सपोज टू बी और फॉल्स और फेक, यानी जिसकी उम्मीद होती है वो ना होना, यानी हमें रियलिटी की उम्मीद होती है, हमें वास्तविक जेन्युइन चीज़ों की, ऑथेंटिक चीज़ों की उम्मीद होती है वो ना होना। तो उसका अपोजिट क्या हो गया, फेक या काउंटरफेट। ठीक है, तो फेक और काउंटरफेट का अपोजिट जेन्युइन और ऑथेंटिक। सेपरेटिंग ऑथेंटिक एंड स्पूरियस क्लेम्स, प्रमाणिक और नकली दावों को अलग करना। नक्सियस विच मीन्स हार्मफुल पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट, यानी हानिकारक या नुकसानदायक। सिनोनिम्स आर बेनफुल और इंजरियस। एंटोनिम्स आर हीलिंग और प्रॉफिटेबल। देवर ओवरकम बाय द नक्सियस फ्यूम्स, वे हानिकारक धुएं से दूर थे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट और सजेशन यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज। सो इट्स 1st December एंड आई एम हियर विद 5 वोकैब्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सो लेट्स बिगिन। Our first word is antipathy, which means a deep-seated feeling of aversion, yani ghirna ki ek gehri bhavna. Synonyms are hostility, aversion, and antonyms are admiration, fascination. Admiration or fascination ka matlab hota hai prashansa. The traditional antipathy of rhinoceros to the elephant seems to be mythical, yani hathi ka gende se paramparik ghirna pauranik lagti hai. Seems to be mythical. Let's repeat. Hostility, aversion are the synonyms and admiration, fascination are the antonyms. Haphazard, which means not having an obvious order or a plan. Or plan. Plan or order ka obvious, yani ki spasht na hona. Yani avavasthit hona.
सिनोनिम्स आर रैंडम, अनसॉर्टेड, एंटोनिम्स आर कंसीडर्ड और अरेंज्ड। हियर यू कैन सी जो गाड़ियाँ है रैंडमली कहीं भी खड़ी है, यानी अव्यवस्थित है, हैफेजर्ड है। ही टैकल द प्रॉब्लम इन अ टिपिकली हैफेजर्ड मैनर, उसने सामान्यता यानी टिपिकली बेतरतीब तरीके से समस्या को सुलझाया। इंसॉल्वेंट विच इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स अनेबल टू पे डेब्ट्स और ऑड, यानी दिवालिया होना। डेब्ट मतलब क्या होता है, उधार, तो उधार का ना दे पाना, दिवालिया होना। इंडिजेंट और बैंकरप्ट आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर वेल्दी, सॉल्वेंट। वेल्दी और सॉल्वेंट क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट, पैसा होना, पैसा होना यानी धनवान होना। अ क्रेडिटर कुड होल्ड हिज इंसॉल्वेंट डेब्टर एज अ स्लेव और सेल हिम आउट ऑफ द सिटी, एक लेनदार अपने दिवालिया कर्ज को यानी हिज सॉल्वेंट डेब्टर को दास के रूप में पकड़ सकता है और उसे शहर के बाहर बेच सकता है, आई थिंक बेच सकता था। लीनियंट विच इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स नॉट स्ट्रिक्ट, बहुत ही उदार होना, बहुत ही कोमल होना या बहुत ही दयालु होना लीनियंट होता है। सिनोनिम्स आर कंपैशनेट और मर्सीफुल, एंटोनिम्स आर क्रूअल और सिवियर। क्रूअल और सिवियर का मतलब होता है कठोर होना। ही बिलीव्स द गवर्नमेंट ऑलरेडी इज लीनियंट विद ड्रग ट्रैफिकर्स। ड्रग ट्रैफिकर्स क्या है, जो ड्रग मटेरियल्स का ट्रैफिकिंग करते हैं, तो उनका मानना था सरकार पहले से ही मादक पदार्थों के तस्करों के प्रति उदासीन है, यानी बहुत लीनियंट है उनके साथ, उनके खिलाफ कुछ नहीं करती है। रस्टिक विच इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स सिंपल एंड ऑफन रफ इन अपियरेंस, यानी दिखने में, लुक में काफ़ी सिंपल होता है, लाइक आप कह सकते हो देहाती। सिनोनिम्स आर रूरल एंड अनसिविलाइज्ड, एंटोनिम्स आर कल्चर्ड और रिफाइंड। तो रूरल और अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या है, असभ्य या ग्रामीण। एंटोनिम्स आर कल्चर्ड और रिफाइंड, मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही अच्छे से। लेट्स सी द एग्जाम्पल, वी स्टेड इन अ रस्टिक कैबिन विद नो इलेक्ट्रिसिटी, हम बिना बिजली के देहाती कैबिन में रहे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट और सजेशन, यू आर वेलकम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज। सो आई एम हियर विद फाइव न्यू वोकैब्स विद देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लेट्स बिगिन। So our first word is demolish, which is a verb which means pull or knock down, जिसका मतलब होता है ध्वस्त कर देना। Synonyms are ruin or devastate. Antonyms are repair or construct. तो ruin और devastate का मतलब होता है ध्वस्त कर देना। Antonyms का मतलब, इसके antonyms जो है repair और construct का मतलब है निर्माण करना या बनाना। The house was demolished to make way for the shopping center. Shopping center के लिए, रास्ता बनाने के लिए घर को ध्वस्त कर दिया गया था। Eccentric, which is an adjective of a person or their behavior, unconventional or slightly strange, यानी विभिन्न होना, अलग होना या विचित्र होना। Synonyms are strange, abnormal, and antonyms are natural or conventional. Strange and abnormal होता है अलग, विचित्र। Antonyms are natural or conventional, यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, normal you can say. He noted her eccentric appearance. उन्होंने अपनी विलक्षण उपस्थिति को नोट किया। Endeavor, which is an adjective which means try hard to do or achieve something, यानी प्रयास करना। Synonyms are undertake or aspire, antonyms are seize or quit. He is endeavoring to help the third world. Endeavoring क्या है, प्रयास करना। So वह तीसरी दुनिया की मदद करने के लिए प्रयास कर रहा है। Haft, which is an adjective which means अभिमानी। Synonyms are arrogant or pompous, and antonyms are humble or submissive. He has not made me hafty or rebellious. उसने मुझे अभिमानी या विद्रोही नहीं बनाया। Hafty or rebellious. Negligent, which is an adjective which means failing to take proper care over something, यानी किसी चीज़ की परवाह करने में फेल हो जाना, यानी लापरवाह। Synonyms are inattentive and careless, antonyms are vigilant or careful. The council had been negligent in its supervision of the children in care. परिषद बच्चों की देखभाल के पर्यवेक्षण में लापरवाही बरती गई थी। So that's it in this video. If you have any query, doubt or suggestion, you can comment in the comment box. Thank you very much.
Hello and welcome to our YouTube channel Gyan Kunj. Today we are going to learn 5 new words with their synonyms, antonyms and with few examples. Let's begin. Our first word is auspicious. It's an adjective which means conducive to success. Yani success ke liye shubh anukool ya mangal hona. Synonyms are lucky, favorable, antonyms are inauspicious and inopportune. Sometimes situation हमारे लिए lucky या favorable होती है and sometimes हमारे लिए inauspicious या inopportune होती है. Let's see example. They won their first match of the season 5-1 which was an auspicious start or beginning. उन्होंने अपना पहला मैच 5-1 से जीता जो कि एक auspicious start यानी एक मंगल या एक शुभ start था. Our first meeting was not auspicious. We had a huge argument. हमारी पहली मीटिंग ऑस्पिशियस नहीं थी क्योंकि हमारे बीच ह्यूज आर्गुमेंट हुई. इट वॉज नॉट द मोस्ट ऑस्पिशियस मोमेंट टू होल्ड एन इलेक्शन. यह सबसे अच्छा मोमेंट नहीं था, सबसे अच्छा शुभ मोमेंट नहीं था इलेक्शन कराने का. आर सेकेंड वर्ड इज लैड. लैड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मेनली मोस्टली यूज होता है बोर्ड पर कार्गो लादने के लिए या रखने के लिए. लोड और सैडल यही होता है बोझा लादना या रखना. एंड कंफर्ट और ऐड का मतलब होता है बोझ को किसी के कम करना, उसको आराम देना, किसी की मदद करना. लेट्स सी द एग्जांपल. द सरप्लस प्रोडक्ट्स मस्ट बी लैडन ऑन द बोर्ड द वेसल्स. सरप्लस प्रोडक्ट्स को वेसल्स पर यानी जहाज पर लाद देना चाहिए. The trucks were heavily laden with products for the market. यानि trucks को heavily लाद दिया गया था बाजार के लिए जो products थे उनके साथ. It's difficult to see lad in a sentence. आपको lad का sentence बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है. Let's see the next word. Melee. क्या पढ़ेंगे हम इसे? Melee. It's a noun which means a confused fight or scuffle. यानि आमने सामने की लड़ाई, दंगा, हंगामा या हाथापाई. Confusion और turmoil इसके synonyms हैं. Calm and harmony इसके antonyms हैं. Let's see and understand with example. Several people were hurt in the melee. मतलब लड़ाई में, हाथापाई में कई सारे लोग हर्ट हो गए थे, जख्मी हो गए थे. द मेले ऑफ द पीपल दैट वर ऑलवेज थ्रोंगिंग द स्ट्रीट्स. जो लोग हमेशा स्ट्रीट्स में घूमते हैं उनके बीच हाथापाई. इन द मेले विच टुक प्लेस आउटसाइड द शॉप सम पीपल वर इंजर्ड. जो हाथापाई उस दुकान के बाहर हुई उसमें कुछ लोग इंजर्ड हो गए. Let's see the next word. Consider. As you know, it's a verb which means to think carefully about. Hindi mein vichar karna, sochna ya manna. Take into account ka matlab bhi vichar karna hota hai, mull over bhi vichar karna hota hai. And disesteem and overlook ka matlab hota hai aap us par zyada acche se dhyan nahi dete hain ya fir underestimate kar dete hain. Let's understand it with example. I consider him a very good friend. मैं उसे बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ. Each application is considered on its merits. हर एक application को उसके merits के हिसाब से consider किया जाता है. Okay, let's see the next example. Don't make any decision before you have considered the situation. यानी आप अपना डिसीज़न पहले ही मत लो जब तक कि आप उस सिचुएशन को कंसीडर ना कर लो यानी सोच ना लो. सो आवर लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज टैबू विच इज अ नाउन. लेट्स अंडरस्टैंड इट. अ सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस और फॉरविडिंग एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी एक सोशल रिलीजियस कस्टम रिवाज जो कि मना करता है किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को या फिर
फॉरबिड करता है, मना करता है एसोसिएशन से किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग से, यानी जो उनके कस्टम में एक्सेप्टेबल नहीं है. एज यू नो, प्रोहिबिट एंड बैन हैज़ द सिमिलर मीनिंग एंड परमिट कंसेंट इज द अपोजिट, इज द एंटोनिम. दिस इज इट इन दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट और सजेशन, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.